से बात करना चाहती हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मुझसे कोई भी सवाल करें, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं जब भी अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपने मैसेजेस खोलती हूँ तो मुझसे हर दूसरा सवाल यही पूछा गया होता है, हमें एंकर बनना है, हमें एंकर कैसे बन सकते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के हवाले से सबसे पहले मैं क्लैरिटी देती चलूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने लाहौर कॉलेज में यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर्स किया मैथ कम्युनिकेशन में, तो मैं तब फिफ्थ सेमेस्टर में थी, मेरी कोई डिग्री कम्प्लीट नहीं हुई थी और मैंने बस ऐसे ही जाकर ऑडिशन दिया। बचपन से मुझे लगता था कि मैं सिर्फ बोल सकती, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मैं ना डॉक्टर बन सकती हूँ ना इंजीनियर बन सकती हूँ, और कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बोल सकती। तो फिर फिफ्थ सेमेस्टर में मैं ऑडिशन के लिए गई सिटी पॉलिट, हमारा ग्लोबल चैनल है, सब आप लोग वाकिफ होंगे उसमें, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो पहला पहला ऑडिशन जाके वो सिटी गेट पर देखे आते हैं, प्लस वो हमारे कॉलेज से बड़ा पास है, तो बड़ी फैसिनेशन थी उनके देखे वहाँ से गुजरते देखे, यार अच्छा चलो मैं यहाँ पर कभी काम करूँगी, मैं यहाँ पर एंकर बनूंगी। तो इस तरह से इस सफर का आगाज हुआ था। फिर बड़ा टफ था एज अ स्टूडेंट, मतलब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम भी अगर जॉब के साथ शुरू कर दें तो मैं कहूँगी कि प्रेफर करो कि उसके बाद स्टडीज के बाद, क्योंकि मैंने वो बहुत मुश्किल से वो टाइम मैंने गुजारा था, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी आती अपनी क्लासेस लेती थी, तकरीबन 4-4:30 बजे घर पहुंचती थी, रात 10 बजे मैं फिर ऑफिस चली जाती, मतलब मेरी नींद सिर्फ कुछ 5-6 घंटे की थी, जिसमें मुझे ग्लासेस में लगा नहीं सकती थी, वहां पर हमें लेंसेज लगानी, 8 घंटे के लिए आंखों में लेंस लगाकर खबरें पढ़ना बहुत मुश्किल था सीरियसली, क्योंकि वो जो लाइट होती है वो बड़ी हार्ड होती है, उसके अंदर फिर आपको अपना मेकअप भी देखना है, बाल भी देखना है, बाल भी ऐसे भी होते थे, ठीक है लड़कियों को मैं बता दूँ कि ये कोई ईजी काम नहीं है, आपके बाल आते रह जाते हैं, आपकी स्किन बहुत खराब हो जाती है और इन चीज़ों की आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। और मेकअप जब अगर हम बात करते हैं मेकअप के हवाले से, तो ये लगता है इस तरह से एक परसेप्शन बना हुआ कि बड़ी ग्लैमरस फील्ड है और बस आपको तैयार शैर होके अच्छा लगना। और बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे ये भी पूछती हैं, मैं एक जगह पर लेक्चर देने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि गुड लुकिंग होना कितना ज़रूरी है, खूबसूरत होना कितना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, खूबसूरती आपके अंदर की खूबसूरती होती है, गुड लुकिंग होना ये तो मेकअप यार, मतलब मैं मेकअप के बगैर मुझे सब देख के कहते हैं छोटी सी है टीवी में तो कुछ और ही लगती है, ऐसे तो हम आपको पहचान, ओ माय गॉड आपके तो इतने हल्के हैं, आपने कवर कैसे करती है, तो वो तो मेकअप से सब कुछ हो जाता है। जरूरी ये है कि आपको पता क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप बोल कितना सकते हो। चलो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको पता भी कुछ नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। जब मैं ऑडिशन देने गई थी पहली बार तो मुझे तो अलिफ में भी नहीं पता थी पॉलिटिक्स, मैं पहले टीवी इस तरह से नहीं देखती थी, क्योंकि अब वो जॉब है, अब मुझे उसको बेहतर से बेहतर से बेहतर करना है, मुझे एक जगह पर रुकना नहीं, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जब जाकर खबरें पढ़ने के लिए वहाँ बैठ रही हूँ तो मुझे बताओ कि आज सुबह से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट्स होती आई हैं, ताकि मैं वहाँ पर बैठ कर जो भी इशू है उसको अच्छे से कैटर करके आगे उस पर बात कर सकूँ। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप मुल्की हालात से अवेयर रहें, और अब तो वैसे भी हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया पर हर चीज़ आ जाती है, ट्विटर पर आप लोग बहुत एक्टिव होंगे तो वो चीज़ें हमें वहाँ से सारी मिल जाती है, अप टू डेट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी बातें कर दिए कि कहीं पर रुकना नहीं, अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है तो उसका चांद खत्म नहीं होना चाहिए, जैसे ही चांद खत्म हुआ तो आप सब लूज कर देंगे और फिर एक डाउनफॉल शुरू हो। बड़े बड़े गोल्स नहीं, छोटे छोटे गोल्स सेट करो, इतनी टाइम में मैंने यहाँ जाना है, इतने टाइम में मैंने यहाँ जाना है। आज से 2 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कभी, मुझे बड़ा मिरेकल लगता है कि हर एयरपोर्ट पर ट्राई 9 बजे का बुलेटिन, तब एक ख्वाब लगता था, मैं सोचती थी कि जब तक यूनिवर्सिटी चल रही है शायद मैं सब नाइट शिफ्ट ही करती रहूँगी, लेकिन मैंने नाइट शिफ्ट मेरे ख्याल सिर्फ 1 महीने के लिए की थी या 1.5 महीने के लिए। तो जब भी आप ये सोच लो कि मैं नहीं कर सकती और मुझे बस पता नहीं कितना टाइम लग जाए, छोटे छोटे गोल सेट करो, अपने आप अचीव करते चले जाओ, दैट्स